Hi viewers, welcome to our business talk show. Our aaj ke hamare guest hai Imran. He is into in a wall painting and designing. He is mostly into the luxury walls painting. Inke jo wall painting hai jo mostly jo Dubai mein aur jo bahar countries mein hote, he has been into Hyderabad. And inke business ke more jankari ke liye, we welcome to Imran. Inke business ke bare mein jankari karte hain aage. Thank you. So Imran bhai, we would like to know about your business more. Aur aap ये बिजनेस में कितने साल थे मुझे बता सकते हैं? जी एक्चुअली मैं 8 ईयर से इस पेंटिंग लाइन को जानता हूँ. ओके. जैसे कि मेरे डैडी सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे और लोग पेंटिंग भी एक पार्ट था उसमें. ओके. तो मैं करा था, उसका नॉलेज था. उसके बाद मैं नॉलेज गेन किया, रिसर्च किया उसके ऊपर. अभी 5 ईयर से मेरी ओनरशिप है, 5 ईयर से मेरी इसमें हूँ मैं. ओके. 5 ईयर से हूँ. तो टोटल आपको 8 साल हुए ये काम के अंदर. तो अपन ये ले सकते हैं 3 साल कुछ आपको एक्सपीरियंस गेन करने में या आपको प्रैक्टिस में वगैरह, और 5 साल से आपका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट. ओके. तो आपका जो बिजनेस है इसका स्पेशलाइजेशन क्या है? मेरा स्पेशलाइजेशन क्या है वो तो मैं ऑल टाइप्स ऑफ पेंटिंग करता हूँ पूरे. okay. जैसे लपम, टेक्सचर, प्राइमर, जो एशियन वाला करता है, एशियन पेंट जो है, एशियन पुट्टी, एशियन प्राइमर, एशियन टेक्सचर, रॉयल, सब करता हूँ. अपार्ट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन की बात आई तो मैं लग्जरी वॉल्स करता हूँ. लग्जरी वॉल्स है जैसे एक कॉन्क्रीट फिनिश जो दुबई में इम्पोर्टेड मटेरियल है. इम्पोर्टेड मतलब बाहर रहता हो पूरा, बाहर जैसे दुबई, फॉरेन कंट्रीज में. ओके. वो फिनिशेस मैं इंडिया में, हम लोग हैदराबाद में भी करते हैं. अच्छा. जैसे कि कॉन्क्रीट, स्टेंटो, पर्ल, रस्टिक, ये नाम है इसके, डियोन. अच्छा, ये नाम है मुझे के पहली मरतबा सुनने को मिल रहा. जी. तो इसका आप कुछ एग्जांपल देके बता सकते हैं कि जो हमारे जो ऑडियंस है उनको मालूम हो, क्योंकि जब मैं जब कुछ पहली मरतबा सुन रहा हूँ तो ऑडियंस को जरा वो होगा. ये हाई एंड काम है, हाई एंड काम है, लग्जरी, एकदम लग्जरी, लग्जरी का है, हाई प्रोफाइल विलास इंटीरियर के लिए काम में आएगा. जी सही बोला. तो आप कुछ एग्जांपल की तरह, अपन हैदराबाद में आपको ज्यादा कुछ काम कर चुके ऑलरेडी. हैदराबाद में रिवर एज एक एक्सटीरियर में करे हम लोग. Okay. रिवर एज के 76 विलास है. Okay. उसके एक्सटीरियर्स में पूरा कंक्रीट फिनिश करे. ये कहाँ पर है? ये नारसिंगी में है. नारसिंगी. और एक है अर्थ बिल्ड डिजाइन वालों का जो अभी चल रहा मेरा. Okay. फिलहाल ये है हाईटेक सिटी आईकिया के पास. Okay. उसमें मार्बल फिनिश है, मार्बल फिनिश है, ड्यून है, 2-3 वेराइटीज वहाँ पर करे. ओके. जी तो वो काम का यूनिकनेस क्या है? क्या आप मतलब सिग्नेचर काम है, मतलब आप एक ही हो इस फील्ड के अंदर, या यूनिकनेस क्या है आप एक काम के अंदर? जी यूनिकनेस क्या है, ये पेंटिंग क्या है कर लेते जी कोई भी, मगर मेरे पास यूनिकनेस क्या है, मेरी टीम प्रोफेशनली करके ये चीज दुबई में. ओके. दुबई में ट्रेंड है, दुबई में करीब ही है. ओके. तो वो लोग इधर आए, बसे मैं हायर करके मैं स्टार्ट किया ये काम के लग्जरी. अभी इसमें भी क्या है, ज्यादा सर्च रिसर्च करके सब करके स्टार्ट किया. Okay. अब रिसेंटली ये लग्जरी वॉल स्टार्ट करके 2 साल हुआ. ओके. पूरी मेरी अब यूनिकनेस क्या है, मेरे पास हाईली प्रोफेशनल टीम है, एक फिनिशर्स के हाई एंड लग्जरी हाईली स्किल्ड लेबर्स है मेरे पास. ओके. नॉर्मली एक कितना एसएफटी के आसपास पड़ता है नॉर्मली? अभी इसमें भी क्या है, नॉर्मली स्टार्टिंग क्या है 110 रुपीज एसएफटी स्टार्ट के लेके 500 रुपीज एसएफटी तक है. स्टार्टिंग कॉन्क्रीट है, एक ज्यादा रहे तो हम लोग थोड़ा कम चार्ज करते, 150, 180, 200 कॉन्क्रीट जाता. Okay. उसमें क्या डिजाइन है, ग्रूस है, ब्रिक डिजाइन है, ये अलग 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 कर अलग अलग डिफरेंस पैटर्न के हिसाब से स्टार्ट होगा. बेसिकली मैं ये जानना चाहूंगा, आपको कोई जी कोई क्लाइंट आपको काम दे जी, तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा, व्हाट दे विल गेट बेनिफिट? आप भी पेंटिंग करते हो, मार्केट में कई और सारे पेंटर्स थे, व्हाट दे विल गेट बेनिफिटेड इफ द क्लाइंट गिव यू द बिजनेस, हाउ दे विल गेट बेनिफिटेड? जी बात तो सही है आपकी, बेनिफिट तो होना कस्टमर को अपने से अलग, कि अपने पास पहले तो प्रोफेशनल है. Correct. वो लोग प्रोफेशनली करते, और क्या है मालूम, सर्विस वारंटी, जब जैसे मैं वॉल की वारंटी देता हूँ ये नॉर्मल लोग से ज्यादा देता हूँ. अब मेरे जो लग्जरी की वारंटी है, मैं एक्चुअली तो लाइफ टाइम की वारंटी, लाइफ टाइम, मगर हम लोग कस्टमर को 10 ईयर्स वारंटी देते. अच्छा. और अगर कुछ भी हो गया तो 1 ईयर फ्री सर्विस वारंटी हमारी. अच्छा. फ्री सर्विस वारंटी, तो इसमें इंक्लूड आप और जो मटेरियल रहेगा वो आपका आपकी तरफ से रहेगा या क्लाइंट की तरफ से? सर्विस वारंटी दे सकते हैं. मटेरियल वगैरह क्या है, पूरा इम्पोर्टेड मटेरियल है, पूरे इटालियन जर्मन मटेरियल, लोकल मटेरियल नहीं है कुछ. ओके. तो इट इज मतलब ये आप मटेरियल स्टॉक करते हो या किस तरह चलता है, मतलब ये ट्रेलर्स बुक करते हम लोग. अच्छा. वो आता सप्लाई करते कंपनी है, कोई बीच में मीडिएटर्स है. Okay. उल्लंघन के थ्रू अपने को आता. अच्छा. तो अब यू विल नॉट मेंटेन द स्टॉक? स्टॉक मेंटेन करता हूँ. अच्छा. मटेरियल क्या है, थोड़ा
डेलिकेटेड रहता, वाटर नहीं लगना, रेनी सीजन में प्रॉब्लम होता, विंटर में प्रॉब्लम होता, अच्छा। और क्या कुछ घट होने के चांसेस रहते, अच्छा। तो वेस्टेज प्रॉब्लम होता, तो स्टोर कितना भी करो मगर बहुत डेलिकेटेड में डेलिकेट पीते, तो यू विल एज पर द प्राइस भी हाई है के साथ वो हिसाब से रहेगा। वेरी फाइन। अगर आपके पास सपोज जो मेनली जो काम है वो काम दिक्कत आने वाला काम है, इंटीरियर का काम है या वॉल डिजाइन है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्लाइंट किस तरह से रिफर करते हैं और क्यों प्रिफर क्यों करें? प्रिफर क्या है? अपनी इन टाइम सर्विस रहती, किराने का काम नहीं है, जैसा पैसे उतनी जैसा पैसे चार्ज करते वैसा सर्विस भी देते, क्वालिटी वैसी है, गारंटी भी वैसी है। ओके। और रेफरेंस? रेफरेंस क्या है, अब एक का एक काम देख के लोग करते रहते बोलते, जैसे फिनिश देख के, क्वालिटी देख के, क्वांटिटी उसकी जो है, क्वालिटी जो हम लोग करके गए, आपका प्राइस वाइज मार्केट से कम रहेगा या बढ़ के रहेगा? ये मेरा कम रहेगा, मार्केट से कम रहेगा, मार्केट से। एक्चुअली लग्जरी वॉल्स जो करने वाले हैं अपने अपने पास बहुत कम है। ओके। जो नॉर्मल पेंटिंग जो रॉयल है या पुट्टी है, लैपम है, जो ये कॉमनली मिल जाता, कॉमनली मिल जाएगा, मगर ये लग्जरी वॉल्स करने वाले बहुत कम है कंपनीज, और प्रीफर कराने वाले भी कम है उसके साथ साथ। डिपेंड हाई एंड, मतलब जैसे कि जो पॉलिटिशियंस है या फिल्म स्टार थे या अब मेरे को यहां पर बिजनेसमैन थे उनके लिए काम है। मेरे को एक क्या है 5-10 कंपनीज मालूम है जो ये काम करते। ओके। तो अब उनके सब कॉन्ट्रैक्ट में आप काम करते? मैं सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब एप्लीकेशन पार्टनर हूं सुपर सर्विसेज पे। ओके। और 2-3 कंपनी ऐसे है जो मैं एप्लीकेशन हूं, मगर सब कंपनी से नहीं हूं, सुपर सर्विसेज हूं। ओके फाइन। आपके टारगेट ऑडियंस कौन रहेगी, मतलब आपको काम कहां से ज्यादा मिल सकता है? आपको अगर सपोज ये वीडियो अगर हमारी ऑडियंस देख रही है, किस मतलब आपका टारगेट सेक्शन बोले तो दे विल बी माइट बी अगर उनके कॉन्टेक्ट में कोई रहे तो दे कैन शेयर द वीडियो। तो आपके टारगेट ऑडियंस बताइए हमारे पास। मेरा टारगेट क्या है, रेजिडेंशियल जैसे एशियन का मटेरियल जैसे लपम पुट्टी टेक्सचर्स के लिए, मेरे को तो रेजिडेंशियल में तो हूँ मैं, और क्या बोलते हैं कमर्शियल में भी हूँ, वो बिल्डर्स देते मेरे को। मगर हाई एंड के लग्जरी वॉल्स के लिए मेरे को बेसिकली आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स जो रहते ना, डिजाइनर्स की मेरा सेक्टर है, मतलब आपका टारगेट सेक्टर है आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स एंड बिल्डर्स एंड नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टिंग जो रहेगा। ओके। अब ऑलमोस्ट वी हैव बीन कम टू द कंक्लूजन ऑफ द टॉक शो। अब यहाँ से जो हमारे जो टॉक शो देख रहे हैं हमारी ऑडियंस, उनको आप क्या ऑफर देना चाहोगे? अब ऑफर तो मार्केट प्राइस जो है, अब फर्स्ट 3 व्यूअर्स को मैं ऑफर गया मार्केट प्राइस से 20% डिस्काउंट दे सकता हूँ। वाह एक्सेलेंट। दिस विल बी ऑन ए लाइक ए लग्जरी वॉल्स के ऊपर रहेगा? सब पे रहेगा। अच्छा, सब पे कर सकते हैं 20% डिस्काउंट। तो देखिए कोई आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर के लिए काफी अच्छा बेनिफिशियल रहेगा, और इट विल बी आपका वर्क, आपके जो फोटोज वगैरह जो है जी वो शेयर कीजिए। इंशाल्लाह द एंड ऑफ द शो वी विल डिस्प्ले दैट इंशाल्लाह। और हमारे शो का एक फॉर्मेट है इमरान भाई जी, यू हैव टू गिव योर टॉप 3 नेटवर्क वेयर द पीपल शुड गेट कनेक्टेड विद देम फॉर देयर नेटवर्क। यस। अब एक है सुपर सरफेस। ओके। वो लोग ये टेक्सचर लग्जरी वॉल्स में ही है जो मटेरियल में उसमें इसमें है जी। सेकेंड है और हमारा अर्थ बिल्ड डिजाइन है, वो लोग डिजाइनिंग टीम है, वो डिजाइन करके हम लोग को काम देते। ओके। और क्या है, अब जे माय होम अवतार है, जेबेरी है। ओके। वो लोग मतलब आपके कॉन्टेक्ट ये ना काफी अच्छे हैं। हाँ काफी अच्छे हैं। ओके। जेबेरी पीक हाँ, कला मंदिर सुपर सर्फेसेस और अर्थ बिल्ड डिजाइन ये चार मोस्टली आर्किटेक्ट है। कला मंदिर आई थिंक कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उन लोगों की ऑफिसेस जो भी है वो लोग हमको देते हैं। ओके। अगर यहाँ से किसी को कुछ कॉन्टेक्ट चाहिए वो डायरेक्टली दे कैन कॉन्टेक्ट इमरान भाई फॉर देयर रेफरेंस एंड दे कैन टॉक विद देम। आई एम साइनिंग ऑफ सलमान।